He Bet by Anton Chekhov. The Bet is an 1889 short story by Anton Chekhov about a banker and a young lawyer who make a bet with each other following a conversation about whether the death penalty is better or worse than life in prison. The banker wagers that the lawyer cannot remain in solitary confinement voluntarily for a period of 15 years. एंटोन चेकोव की द बेट एक बैंकर और युवा वकील के बारे में 1889 की एक छोटी कहानी है जो इस बारे में बातचीत के बाद एक शर्त लगाते हैं कि मौत की सजा जेल में जीवन की तुलना में बेहतर है या बदतर। बैंकर चाहता है कि वकील 15 साल की अवधि के लिए स्वेच्छा से एकांत कारावास में न रह सके। प्लॉट समरी। जैसे ही कहानी खुलती है, एक बैंकर एक शर्त के अवसर को याद करता है जो उसने 15 साल पहले की थी। एक पार्टी में मेहमान जो उस दिन की मेजबानी कर रहा था मृत्युदंड की चर्चा में पड़ गया। बैंकर ने इसे आजीवन कारावास की तुलना में अधिक मानवीय के रूप में देखा, जबकि एक युवा वकील ने असहमत होते हुए कहा कि वह मृत्यु के बजाय जेल में जीवन का चयन करेगा। वे एक शर्त के लिए सहमत हुए, यदि वकील कुल अलगाव में 15 साल खर्च कर सकता है तो बैंकर उसे 2 मिलियन रूबल का भुगतान करेगा। वकील का किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं होता, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने और अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करने के लिए नोट्स लिख सकता था। बैंकर की संपत्ति पर एक अतिथि कक्ष में सीमित, वकील पहले अकेलेपन और अवसाद से ग्रस्त है, लेकिन अंततः विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में पढ़ना और अध्ययन करना शुरू कर देता है। जैसा कि वकील एकांत का लाभ उठाने के लिए शिक्षित होता है और वर्षों में खुद को विभिन्न तरीकों से खुश करता है, बैंकर की किस्मत कम होने लगती है। बैंकर को पता चलता है कि अगर वह हार जाता है तो दांव लगाने से दिवालिया हो जाएगा। दिन के शुरुआती घंटों में जब 15 साल की अवधि समाप्त होने को होती है, बैंकर वकील को मारने के लिए हल करता है, लेकिन उसे बहुत कमजोर और एक मेज पर सोता हुआ पाता है। वकील द्वारा लिखे गए एक नोट से पता चलता है कि उसने शर्त को छोड़ने के लिए चुना है, यह जानकर कि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और पैसे से अधिक दिव्य मुक्ति है। हैरान और टिप्पणी को पढ़ने के बाद चले गए बैंकर सिर और बिस्तर पर रिटर्न पर वकील चूम लेती है। जब बैंकर उस सुबह बाद में उठता है तो एक चौकीदार रिपोर्ट करता है कि वकील खिड़की से बाहर चढ़ गया है और संपत्ति को दांव पर लगाकर भाग गया है। अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए बैंकर ने नोट को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। लेट्स लिसन टू द कंप्लीट स्टोरी। यह एक अंधेरी शरद ऋतु की रात थी। पुराने बैंकर अपने अध्ययन के कोने कोने से पेसिंग कर रहे थे, 15 साल पहले शरद ऋतु में अपने मन की बात को याद करते हुए। पार्टी में कई चतुर लोग थे और बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। उन्होंने मृत्युदंड की अन्य बातों के बीच बात की। अधिकांश विद्वानों और पत्रकारों ने उनमें से अधिकांश को मृत्युदंड की सजा दी थी। उन्होंने इसे एक ईसाई राज्य और अनैतिक के लिए दंड के साधन के रूप में अप्रचलित पाया। उनमें से कुछ ने सोचा कि मृत्युदंड को सार्वभौमिक रूप से आजीवन कारावास से बदल दिया जाना चाहिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मेजबान ने कहा। मैंने खुद न तो मृत्युदंड का अनुभव किया है और न ही आजीवन कारावास का, लेकिन अगर कोई एक जज को प्राथमिकता दे सकता है तो मेरी राय में मृत्युदंड कैद की तुलना में अधिक नैतिक और अधिक मानवीय है। निष्पादन तुरंत मारता है, आजीवन कारावास डिग्री से मारता है। कौन अधिक मानवीय जल्लाद है, जो आपको कुछ सेकंड में मारता है या वह जो जीवन को आप में से लगातार खींचता है सालों से? वे दोनों समान रूप से अनैतिक हैं, मेहमानों में से एक ने टिप्पणी की, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही है, जीवन को दूर ले जाना। राज्य भगवान नहीं है, इसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है, जो इसे वापस नहीं दे सकता है यदि यह इच्छा करे। कंपनी में एक वकील था, लगभग 25 का युवक। उनकी राय पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मृत्युदंड और आजीवन कारावास समान रूप से अनैतिक हैं, लेकिन अगर मुझे उनके बीच पसंद की पेशकश की गई तो मैं निश्चित रूप से दूसरा चुनूंगा। किसी भी तरह से जीना बेहतर है, बिल्कुल भी नहीं जीना है।
वहां जीवंत चर्चा हुई। बैंकर जो तब छोटा था और अधिक घबराया हुआ था, अचानक अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर मार दी और युवा वकील की ओर मुंह करके रो पड़ा। यह झूठ है, मैंने आपको 2 लाख दिए हैं, आप 5 साल तक भी किसी सेल में नहीं टिकेंगे। अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं, वकील ने जवाब दिया, तो मुझे यकीन है कि मैं 5 नहीं बल्कि 15 रहूंगा। 15 किया हुआ। बैंक कर्मी रोया, सज्जनों मैं 2 लाख का दांव लगाता हूँ। माना आप 2 लाख दांव पर हैं, मैं अपनी आजादी, वकील ने कहा। तो यह जंगली हास्यास्पद शर्त पारित करने के लिए आया था। बैंकर जो उस समय बहुत सारे लाखों लोगों को गिनने बिगाड़ने और मितव्ययी था, खुद को उत्साह के साथ घेरे हुए था। रात के खाने के दौरान उन्होंने मजाक में वकील से कहा, बहुत देर हो चुकी है, इससे पहले कि आप अपने होश में आओ, युवा रोआ, 2 लाखों मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से 3 या 4 खोने के लिए खड़े हैं। मैं 3 या 4 कहता हूँ, क्योंकि आप इसे कभी भी बाहर नहीं रखेंगे। या तो भूल जाओ, तुम दुखी आदमी हो कि स्वैच्छिक लागू कारावास से बहुत भारी है। यह विचार कि आपको किसी भी क्षण अपने आप को मुक्त करने का अधिकार है, आपके पूरे जीवन को सेल में जहर देगा। मुझे तुम पर दया आती है। और अब बैंकर कोने से कोने तक यह सब याद किया और खुद से पूछा, मैंने यह दांव क्यों लगाया, क्या अच्छा है? वकील अपने जीवन के 15 साल खो देता है और मैं 2 लाख निकाल देता हूँ, क्या यह लोगों को समझाएगा कि मृत्यु दंड जीवन के लिए कारावास से भी बदतर या बेहतर है? नहीं नहीं, सभी सामान और बकवास। मेरी ओर से यह एक अच्छी तरह से खिलाए गए आदमी की टोपी थी, सोने के वकील के लालच पर। उन्होंने शाम की पार्टी के बाद जो कुछ भी हुआ उसे याद किया। यह निर्णय लिया गया कि वकील को बैंकर के घर की एक गार्डन विंग में कड़ाई से अवलोकन के तहत अपने कारावास से गुजरना होगा। इस बात पर सहमति हुई कि इस अवधि के दौरान वह दहलीज पार करने, जीवित लोगों को देखने, मानवीय आवाज सुनने और पत्र और समाचार पत्र प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो जाएगा। उन्हें संगीत वाद्य यंत्र, किताबें पढ़ने, पत्र लिखने, शराब पीने और तंबाकू पीने की अनुमति थी। समझौते से वह संवाद कर सकता था, लेकिन केवल मौन में। बाहरी दुनिया के साथ इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्मित एक छोटी खिड़की के माध्यम से सब कुछ आवश्यक, किताबें, संगीत, शराब, वह किसी भी मात्रा में खिड़की के माध्यम से एक नोट भेजकर प्राप्त कर सकता था। समझौता सभी लघु विवरणों के लिए प्रदान किया गया, जिसने कारावास को सख्ती से एकांत बना दिया। और इसने वकील को 14 नवंबर 1870 के 12 बजे से 14 नवंबर 1885 के 12 बजे तक ठीक 15 साल रहने के लिए बाध्य किया। शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अपने हिस्से पर प्रयास करें। यदि समय से पहले केवल 2 मिनट के लिए बचने के लिए बैंकर को दायित्व से मुक्त किया जाए, तो वह उन्हें 2 लाख का भुगतान करेगा। कारावास के पहले वर्ष के दौरान वकील, जहां तक संभव था कि वह अपने छोटे नोटों से न्याय कर सकता था, अकेलेपन और रूप से बुरी तरह पीड़ित था। उसके पंखों से दिन रात पियानो की आवाज आती थी। उन्होंने शराब और तंबाकू को खारिज कर दिया। शराब, उन्होंने लिखा, इच्छाओं को उत्तेजित करता है और इच्छाएं एक कैदी के मुख्य शत्रु हैं। इसके अलावा अकेले अच्छी शराब पीने से ज्यादा उबाऊ कुछ भी नहीं है, और तंबाकू उसके कमरे में हवा को खराब करता है। पहले वर्ष के दौरान वकील को एक हल्के चरित्र की किताबें भेजी गईं, एक जटिल प्रेम रस, अपराध और फंतासी की कहानियां, हास्य और इसी तरह के उपन्यास। दूसरे वर्ष में पियानो को सुना नहीं गया और वकील ने केवल क्लासिक्स के लिए कहा। पांचवे वर्ष में संगीत फिर से सुना गया और कैदी ने शराब मांगी। उन्हें देखने वालों ने कहा कि उस पूरे वर्ष के दौरान वह केवल खा पी रहे थे और अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह अक्सर चिल्लाता था और खुद से गुस्से में बात करता था। किताबें वह नहीं पढ़ता था। कभी कभी रातों में वह लिखने बैठ जाता था। वह लंबे समय तक लिखते थे और सुबह उठकर इसे फाड़ देते थे। एक से अधिक बार उसे रोने के लिए सुना गया था।
छठे वर्ष की दूसरी छमाही में कैदी ने भाषाओं, दर्शन और इतिहास का अध्ययन करने के लिए उत्साह से शुरू किया। वह इन विषयों पर इतने निष्ठुरता से पढ़ गया कि बैंकर के पास शायद ही उसके लिए पर्याप्त किताबें पाने का समय था। उनके अनुरोध पर 4 साल में लगभग 600 खंड खरीदे गए। यह उस जुनून के साथ था जब बैंकर को कैदी से निम्नलिखित पत्र मिला, मेरे प्यारे गोलिजर, मैं इन पंक्तियों को 6 भाषाओं में लिख रहा हूँ। उन्हें विशेषज्ञों को दिखाएं, उन्हें पढ़ने दो, अगर वे एक भी गलती नहीं पाते हैं तो मैं आपसे बगीचे में बंद बंदूक रखने का आदेश देने की विनती करता हूँ। शोर से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। सभी उम्र और देशों के जीनियस अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, लेकिन उन सभी में एक ही लौ जलती है। ओह, अगर आप मेरी स्वर्गीय खुशी जानते थे कि अब मैं उन्हें समझ सकता हूँ। कैदी की इच्छा पूरी हुई। बैंकर के आदेश से बगीचे में 2 शॉट लगाए गए। बाद में 10वें वर्ष के बाद वकील अपनी मेज के सामने अचल बैठे और केवल नया नियम पढ़ा। बैंकर को यह अजीब लगा कि 4 साल में एक आदमी को 600 एडाइट मात्रा में महारत हासिल थी। उसे एक किताब पढ़ने में लगभग 1 साल लगना चाहिए था। समझने में आसान और कोई मतलब नहीं था। तब नए नियम को धर्मों और धर्मशास्त्रों के इतिहास से बदल दिया गया था। अपने कारावास के अंतिम 2 वर्षों के दौरान कैदी ने एक असाधारण राशि पढ़ी जो काफी अजीब थी। अब वह खुद को प्राकृतिक विज्ञानों में लागू करेगा, फिर वह बायरन या शेक्सपियर को पढ़ेगा। नोट्स उनके पास से आते थे, जिसमें उन्हें उसी समय रसायन विज्ञान पर एक पुस्तक, चिकित्सा की एक पुस्तक, एक उपन्यास और दर्शन या धर्मशास्त्र पर कुछ ग्रंथों को भेजने के लिए कहा जाता था। उन्होंने पढ़ा कि जैसे वह मलबे के टूटे टुकड़ों के बीच समुद्र में तैर रहे थे और अपनी जान बचाने की चाह में वे एक के बाद एक टुकड़ों को बेसब्री से पीट रहे थे। बैंकर ने यह सब याद किया और सोचा। 12 बजे दुख के समय उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। समझौते के तहत मुझे उसे 2 लाख देने होंगे। अगर मैं भुगतान करता हूँ तो यह मेरे साथ है। मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो गया हूँ। 15 साल पहले उसके पास गिनने के लिए बहुत सारे लाखों थे, लेकिन अब वह खुद से पूछने से डरता था कि उसके पास पैसे या कर्ज ज्यादा हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर जुआ, जोखिम भरी अटकलें और जिस लापरवाही से वह खुद को बुढ़ापे में भी छुटकारा नहीं दे सकता था। धीरे धीरे अपने व्यवसाय को क्षय करने के लिए लाया था और निर्भीक, आत्मविश्वासी, गर्वित व्यवसाय का आदमी एक साधारण बैंकर बन गया था जो बाजार में हर वृद्धि और पतन के कारण कांपता था। उस शाप ने शाप दिया, बूढ़े व्यक्ति ने निराशा में अपना सिर काट लिया। आदमी मर क्यों नहीं रहा? वह केवल 40 साल का है। वह मेरे अंतिम जीवन को दूर कर देगा, शादी करेगा, जीवन का आनंद लेगा, एक्सचेंज में जुआ खेलेगा और मैं एक ईर्ष्यालु भिखारी की तरह दिखूंगा और हर दिन उससे एक ही शब्द सुनूंगा, मैं अपने जीवन की खुशियों के लिए बाध्य हूँ, मुझे आपकी मदद करने दो। नहीं, यह बहुत ज्यादा है। दिवालियेपन और अपमान से केवल यही बचता है कि आदमी मर जाए। घड़ी में 3 बज चुके थे। बैंकर सुन रहा था। घर में हर कोई सो रहा था और कोई केवल खिड़कियों के बाहर जमे हुए पेड़ों को सुन सकता था। कोई आवाज नहीं करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी तिजोरी की चाबी दरवाजे से निकाल ली, जिसे 15 साल से नहीं खोला गया था। अपने ओवरकोट में डाल दिया और घर से बाहर चला गया। बाग गहरा और ठंडा था। बारिश हो रही थी। एक नम मर्मज्ञ हवा बगीचे में गुदगुदाया और पेड़ों को आराम नहीं दिया। हालांकि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था, बैंकर न तो जमीन देख सकता था, न ही सफेद मूर्तियां, न बाग बगीचे और न ही पेड़। गार्डन विंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 बार चौकीदार को बुलाया। कोई जवाब नहीं था। जाहिर तौर पर चौकीदार ने खराब मौसम का आश्रय लिया था और अब वह रसोई या ग्रीन हाउस में कहीं सो रहा था। अगर मैं अपने इरादे को पूरा करने की हिम्मत रखता हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, सबसे पहले संदेह चौकीदार पर पड़ेगा। अंधेरे में वह कदमों और दरवाजों के लिए टटोलता रहा और बगीचे विंग के हॉल में प्रवेश किया।
फिर एक संकीर्ण मार्ग में अपना रास्ता डाला और एक मैच मारा। आत्मा नहीं थी, कुछ एक का बिस्तर, उस पर कोई बेडक्लॉथ नहीं था, वहां खड़ा था। और एक लोहे का स्टोव कोने में अंधेरा था। कैदी के कमरे में जाने वाले दरवाजे पर सील टूट थी। जब मैच खत्म हो गया तो बूढ़े आदमी ने आंदोलन से कांपते हुए छोटी खिड़की से झांका। कैदी के कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। कैदी खुद मेज के पास बैठ गया। केवल उसकी पीठ, सिर पर बाल और उसके हाथ दिखाई दे रहे थे। खुली किताबें मेज पर, दो कुर्सियां और मेज के पास कालीन पर बिखरी पड़ी थीं। 5 मिनट बीत गए और कैदी ने एक बार भी हलचल नहीं की। 15 साल के कारावास ने उन्हें अविचल बैठना सिखाया था। बैंकर ने अपनी उंगली से खिड़की पर टैप किया, लेकिन कैदी ने जवाब में कोई हरकत नहीं की। तब बैंकर ने सावधानी से दरवाजे से सील को फाड़ दिया और चाबी को ताले में डाल दिया। जंग लगे ताला ने एक कर्कश कराह दी और दरवाजा क्रैक हो गया। बैंकर ने तुरंत आश्चर्यचकित होने और कदमों की आवाज सुनने की उम्मीद की। 3 मिनट बीत गए और यह पहले की तरह शांत था। उसने प्रवेश करने का मन बना लिया। इससे पहले की टेबल पर एक आदमी बैठा, एक साधारण इंसान के विपरीत। यह एक कंकाल था, तंग खींची हुई त्वचा के साथ, एक महिला की तरह लंबे घुंघराले बाल और एक झबरा दाढ़ी। उसके चेहरे का रंग पीला था, मिट्टी की छाया का, गाल धंसे हुए थे, पीछे लंबा और संकरा, और जिस हाथ पर उसने अपने बालों को झुका रखा था वह इतना दुबला और पतला था कि उसे देखना दर्दनाक था। उसके बाल पहले से ही धूसर रंग के थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो चेहरे के ऊपरीशाही खालीपन पर गौर करता था कि वह केवल 40 वर्ष का था। मेज पर अपने झुके हुए सिर से पहले एक कागज की एक शीट बिछाएं जिस पर एक छोटे से हाथ में कुछ लिखा था। गरीब शैतान, बैंकर ने सोचा, वह सो रहा है और शायद अपने सपनों में लाखों देख रहा है। मुझे केवल साधी मृत चीज को बिस्तर पर ले जाना और फेंकना है, उसे तकिए के साथ एक क्षण में धूम्रपान करें और सबसे सावधान परीक्षा में अप्राकृतिक मौत का कोई निशान नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमने पढ़ा कि उसने यहाँ क्या लिखा है। बैंकर ने मेज से चादर ली और पढ़ा। आधी रात के 12 बजे मैं अपनी स्वतंत्रता और लोगों से घुलने मिलने का अधिकार प्राप्त करूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस कमरे को छोड़ दूं और सूरज को देखूं, मुझे लगता है कि आपको कुछ शब्द कहना जरूरी है। अपनी स्पष्ट अंतरात्मा और ईश्वर से पहले जो मुझे देखता है, मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि मैं स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और यह सब आपके किताबों को दुनिया का आशीर्वाद कहता हूँ। 15 वर्षों से मैंने सांसारिक जीवन का अध्ययन किया है। सच है, मैंने न तो पृथ्वी और न ही लोगों को देखा, लेकिन आपकी किताबों में मैंने सुगंधित शराब पी ली, गीत गाए, जंगलों में हिरन और जंगली सुअर का शिकार किया, महिलाओं से प्यार किया, और सुंदर महिलाएं जैसे बादल ईथर, जादू के जादू द्वारा बनाई गई आपके कवियों की प्रतिभा मुझे रात में मिली और मुझे अद्भुत कहानियां सुनाई गईं जिससे मेरा सिर चकरा गया। आपकी पुस्तकों में मैं एल्ब्रूज और मॉन्ट ब्लैंक के शिखर पर चढ़ गया और वहां से देखा कि सुबह सूरज कैसे उगता था और शाम को आकाश, समुद्र और पर्वत को एक बैंगनी सोने से लाद दिया। मैंने वहां से देखा कि कैसे मेरे ऊपर बादलों की सीध में टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। मैंने हरे भरे जंगल, खेत, नदियां, झीलें, शहर देखे। मैंने सुना है कि गायन गाते हैं और पान के पाइप का खेल। मैंने उन खूबसूरत शैतानों के पंखों को छुआ जो भगवान की बात करने के लिए मेरे पास आए थे। आपकी किताबों में मैंने खुद को अथाह रसातल में डाल दिया, चमत्कार किया, शहरों को जमीन पर जलाया, नए धर्मों का प्रचार किया, पूरे देशों पर विजय प्राप्त की। आपकी पुस्तकों ने मुझे ज्ञान दिया। सदियों में बनाए गए सभी मानव विचारों को निखारने के लिए मेरी खोपड़ी में एक छोटी सी गांठ होती है। मैं जानता हूँ कि मैं आप सभी से ज्यादा चतुर हूँ और मैं तुम्हारी पुस्तकों का तिरस्कार करता हूँ, सभी सांसारिक आशीषों और ज्ञान का तिरस्कार करता हूँ। सब कुछ शून्य, कमजोर,
दूरदर्शी और भ्रम के रूप में भ्रम है। यद्यपि आप गर्व और बुद्धिमान और सुंदर हैं, फिर भी मृत्यु आपको धरती के मुख से ऐसे मिटा देगी जैसे कि चूहे भूमिगत। और तुम्हारा पद, तुम्हारा इतिहास और प्रतिभा के अपने पुरुषों की अमरता जमे हुए लावा के रूप में होगी, स्थलीय दुनिया के साथ एक साथ जल गई। तुम पागल हो और गलत रास्ते पर चले गए। आप सत्य के लिए झूठ और सुंदरता के लिए कुरूपता का सहारा लेते हैं। यदि फल के बजाय अचानक से बौर संतरे के पेड़ मेंढक और छिपकलियों को झेलना चाहिए और अगर गुलाब को पसीने वाले घोड़े की गंध से सांस लेने की शुरुआत करनी चाहिए तो आप चमत्कार करेंगे। तो क्या मैं तुम पर आश्चर्य करता हूँ जिन्होंने पृथ्वी के लिए स्वर्ग को रोक दिया है? मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपको अपनी अवमानना दिखा सकता हूँ जिसके लिए आप रहते हैं। मैं उन 2 लाखों को माफ करता हूँ जो मैंने एक बार स्वर्ग के रूप में सपना देखा था और जो अब मैं तुच्छ समझता हूँ। मैं अपने अधिकार से उन्हें वंचित कर सकता हूँ। मैं निर्धारित अवधि से 5 मिनट पहले यहाँ से निकलूंगा और इस तरह समझौते का उल्लंघन करूंगा। जब वह पढ़ा था, बैंकर की मेज पर चादर डाल दिया, अजीब आदमी का सिर चूमा और रोने लगे। वह विंग से बाहर चला गया। कभी भी किसी अन्य समय पर एक्सचेंज में अपने भयानक नुकसान के बाद भी नहीं, क्या उसने खुद के लिए इस तरह की अवमानना महसूस की थी? घर आकर वह अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तड़प और आंसुओं ने उसे सोने से बहुत समय तक दूर रखा। अगली सुबह वह गरीब चौकीदार उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसे बताया कि उन्होंने उस आदमी को देखा है जो खिड़की के रास्ते बगीचे में खिड़की के रास्ते चढ़ता है। वह गेट पर जाकर गायब हो गया था। बैंकर तुरंत अपने नौकरों के साथ विंग में गया और अपने कैदी के भागने की स्थापना की। अनावश्यक अफवाहों से बचने के लिए उन्होंने टेबल से त्याग के साथ पेपर लिया और वापस लौटने पर इसे अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। कहानी का अंत। धन्यवाद।